जय माई की। आप सबके लिए साल 2021 बहुत बहुत मंगलमय हो। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, उपस्थित हूं जनवरी महीने के राशिफल के साथ। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने के गोचर की। साल की शुरुआत कहें या महीने की शुरुआत, दोनों की शुरुआत के समय सूर्य धनु राशि में रहेगा। वहीं बुध भी सूर्य के साथ धनु राशि में ही है, मंगल मेष राशि में है, जबकि राहु वृष राशि में स्थित है, शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में है, गुरु और शनि मकर राशि में स्थित हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे, तो वहीं बुध 5 जनवरी को मकर राशि में तथा 25 जनवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुरुआत में भले ही शुक्र वृश्चिक राशि में हो, लेकिन 4 जनवरी को यह धनु राशि में तथा 28 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे। इन सब का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। लेकिन इसके पहले स्पष्ट कर दूं कि यह राशिफल लग्न के आधार पर देखेंगे तो अधिक सटीक रहेगा। इसके अलावा यह भी जान लें कि यह एक स्थूल गणना है, दशाओं के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बेहतर जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की, या यूं कहें कि मेष लग्न की, क्योंकि मैं लग्न के आधार पर बता रहा हूं। मेष राशि वालों, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है, लग्न का स्वामी है, आपकी राशि पर ही गोचर कर रहा है, अतः किसी भी तरीके की बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता मुख के स्थान पर, वाणी के स्थान पर राहु को ध्यान में रखते हुए आपका खान पान संयमित होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। शिक्षा की बात करें तो यहां से भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, क्योंकि आपका पंचमे सूर्य आपके भाग्य भाव पर रहेगा। चतुर्थ भाव की स्थिति भी शनि गुरु के मिले जुले प्रभाव के कारण औसत है। महीने के अधिकांश समय में बुध का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर बना रहेगा, अतः शिक्षा के लिए माह अच्छे परिणाम दे सकता है। दूसरे भाव के राहु और चतुर्थ भाव में शनि के प्रभाव के चलते पारिवारिक मामलों को प्यार से सुलझाने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंधों में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता मिलते रहने के योग बन रहे हैं। हालांकि शुरुआती सप्ताह में थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत रहेगी, इसके बाद का समय प्रेम और दाम्पत्य दोनों संबंधों के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। कंपटीशन, विवाद व कोर्ट संबंधी मामलों के लिए भी सामान्य तौर पर इस महीने अनुकूलता मिलते रहने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र के लिए भी सामान्य तौर पर इस महीने अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। आर्थिक मामलों में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब उपाय की बात कर ली जाए। उपाय की बात करें तो आपको सात्विक रहना चाहिए, यानी मांस मदिरा का परित्याग करते हुए माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना चाहिए। आइए अब वृष राशि के बारे में चर्चा कर ली जाए। वृष राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने स्वास्थ्य मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। आपके लग्न यानी कि राशि पर राहु केतु का प्रभाव है। इसके अलावा आपका राशि स्वामी लग्नेश शुक्र 4 तारीख से 28 तारीख तक आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यानी किसी भी तरीके की लापरवाही न दिखाने पर संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि चतुर्थेश सूर्य महीने के पहले भाग में 8वें भाव में रहेगा, अतः अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की जरूरत रहेगी। लेकिन महीने के अधिकांश समय बुध की स्थिति अनुकूल होने के चलते शिक्षा संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो सामान्य तौर पर वहां भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अलबत्ता महीने के पहले पक्ष में संबंधों को अधिक समय देने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध के मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पंचमेश की स्थिति सामान्य तौर पर महीने के अधिकांश समय अच्छी रहेगी, लेकिन शुक्र के अष्टम भाव में गोचर के चलते प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी और प्यार पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। कंपटीशन, विवाद या मुकदमे आदि की बात करें तो यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि भले ही आपके 6वें भाव का स्वामी 8वें भाव में रहेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि के चलते आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेवजह के विवाद को करने से बचने की सलाह आपको दी जाती है। कार्य क्षेत्र संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। हालांकि महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करवा सकता है। आर्थिक मामलों में सामान्य से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद हम करते हैं। उपाय की बात करें तो शरीर पर चांदी धारण करना है, खासकर कमर के ऊपरी हिस्से में, या विशेषकर चांदी का ब्रेसलेट पहनना और माथे पर केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वालों, सामान्य तौर पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि महीने के अधिकांश समय आपका राशि स्वामी आठवें भाव में गोचर करेगा, अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा और वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाने की सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा संबंधी मामलों में भी अधिक मेहनत की जरूरत रहेगी। पारिवारिक मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव पर शनि मंगल की दृष्टि पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर सकती है। साथ ही चतुर्थेश बुध भी अधिकांश समय आठवें भाव में शनि के साथ और नीच के बृहस्पति के साथ रहेगा, अतः वाणी पर संयम रखें और परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, लेकिन संघर्ष के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद हम करते हैं। आर्थिक मामलों में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। उपाय के रूप में नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल देना और मंगलवार के दिन देसी घी मिश्रित सिंदूर यानी सिंदूर का चोला हनुमान जी महाराज को चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सामान्य तौर पर स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत इस महीने आपको रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि मंगल दोनों का दृष्टि प्रभाव आपके प्रथम भाव पर है, अतः वाहन सावधानी से चलाएं, बेवजह क्रोध न करें, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करने की सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर अनुकूलता मिलने की उम्मीद हम करते हैं। विशेषकर कंपिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी बेहतर कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो जनवरी का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहेगा, इसके बाद शनि के साथ युति करेगा। दोनों स्थितियां पारिवारिक संबंधों के लिए थोड़ी सी कमजोर कही जाएंगी। चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि भी घरेलू कलह दे सकती है, ऐसे में पारिवारिक मामलों को प्यार से सुलझाने की जरूरत रहेगी। प्रेम और दाम्पत्य के मामले में भी कुछ इसी तरह के परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि सभी संबंधों को बहुत ही प्यार से निभाने की जरूरत रहेगी। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए महीने का पहला पक्ष काफी अच्छा रह सकता है। दूसरे पक्ष की बात करें तो वह तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आर्थिक मामलों में भी मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्या भोजन कराना शुभ रहेगा तथा शिव की आराधना भी करना शुभ रहेगा। आइए अब सिंह राशि वाले लोगों के बारे में चर्चा कर ली जाए। सिंह राशि वालों, इस महीने सामान्य तौर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। किसी भी तरीके की स्वास्थ्य समस्या आने के योग नहीं है, बशर्ते आपको पहले से कोई समस्या ना हो। शिक्षा संबंधी मामलों की बात की जाए तो उस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद है, अर्थात यदि छोटे मोटे विवाद होते हैं तो आप उन्हें आसानी से सुलझा सकेंगे। प्रेम संबंध की बात की जाए तो वहां भी मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। खासकर महीने का जो दूसरा भाग है वह आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी सामान्यतः अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए भी महीना अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद हम कर रहे हैं। खासकर बौद्धिक रूप से जो सक्रिय हैं ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा कर सकते हैं। आर्थिक मामले में भी अच्छे परिणाम आपको मिलने चाहिए, विशेषकर यदि आप लोन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे होम लोन हो, वाहन का लोन हो, किसी भी तरीके का, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। उपाय के रूप में मंदिर में पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं और गणेश जी की पूजा करते रहें। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा यह जान लिया जाए। कन्या राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बशर्ते कि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो और इस महीने आपका खान पान भी संयमित रहे। इन शर्त के साथ आप अच्छा जीवन जी सकेंगे, स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे। वाहन सावधानी से चलाने की सलाह भी आपको दी जाती है। शिक्षा संबंधी मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पारिवारिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम आपको मिलने चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। पिछली समस्याएं सुलझ सकती हैं, नवीन समस्याएं बढ़ने ना पाए इस बात की कोशिश करेंगे तो आप उसमें भी सफल रहेंगे। प्रेम संबंध में पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी बेहतरी आनी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भी अनुकूलता आने के योग दिख रहे हैं। आर्थिक मामले की बात की जाए तो वहां भी पिछले महीने की तुलना में अच्छे परिणाम
मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल देना चाहिए और शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में मिलाकर चोला चढ़ाना चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, कैसे परिणाम देगा इसकी। तुला राशि वाले स्वास्थ्य संबंधी मामलों में यह महीना बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से तनाव या गुस्सा अधिक रह सकता है। इससे बचने का प्रयत्न भी आपको करना चाहिए, हम ये सलाह आपको देना चाहेंगे। शिक्षा संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बुध का गोचर अधिकांश समय आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, इसके बाद पंचम भाव में रहेगा। दोनों ही स्थितियां अच्छी कही गई हैं। पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लेने की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में संतोषप्रद परिणाम आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी बेहतरी आने के योग बने हुए हैं। अलबत्ता छोटे मोटे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं लग रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। कार्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता आने के योग बने हुए हैं। अलबत्ता वरिष्ठों से बेवजह उलझने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। आर्थिक मामलों में भी बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। उपाय के रूप में गरीबों को यथाशक्ति भोजन कराएं और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को चमेली के तेल के साथ सिंदूर चढ़ाएं और साथ में चांदी का वर्क भी लगाएं। आइए अब जान लेते हैं कि जनवरी का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य तौर पर यह महीना अच्छा रह सकता है। अलबत्ता बेवजह के विवाद और क्रोध से बचने की सलाह आपको हम देना चाहेंगे। विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, खासकर वह विद्यार्थी जो वाणी से संबंधित कार्य करने वाली विद्या ग्रहण कर रहे होंगे, जैसे वकालत है या कंसल्टेंसी है, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में भी बेहतरी आने की उम्मीद है, विशेषकर महीने का दूसरा भाग काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंधों के लिए महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। सामान्य तौर पर शुक्र से हम अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का तौर तरीका शालीन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में आपको आपसी संदेह से बचने की भी सलाह दी जाती है, ऐसा करके आप प्रेम और दाम्पत्य दोनों मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, खासकर महीने का जो दूसरा भाग है यह काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। वहीं लाभ संबंधी मामलों के लिए भी सामान्य तौर पर इस महीने अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। उपाय की बात करें तो नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाना है और शरीर में चांदी धारण करना है, इनसे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि जनवरी का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर आया है। धनु राशि वालों, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य तौर पर इस महीने स्वास्थ्य मिले जुले परिणाम दे सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना और खान पान संयमित रखना जैसे कर्म आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार होंगे। शिक्षा के मामले में भी सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। पारिवारिक मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, ऐसे में आपका व्यवहार और आपकी बातचीत का तरीका काफी संयमित होना चाहिए, ये जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, हालांकि बेवजह का क्रोध और बेवजह की जिद से बचने की सलाह आपको दी जाती है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कंपटीशन के मामले में, विवाद के मामले में, कोर्ट कचहरी के मामले में अधिकांश समय आपको अनुकूलता देगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। फिर भी किसी से बेवजह ना उलझें और षड्यंत्र से भी बचें। कार्य क्षेत्र के लिए भी सामान्य तौर पर यह महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, खासकर नौकरी पेशा लोगों को बेहतर परिणाम मिलने चाहिए। यात्रा संबंधी मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आर्थिक मामलों में भी महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो सूर्योदय से पूर्व उठना, संयमित रहना और माथे पर केसर का टीका लगाना, ये उपाय आपके जीवन में खासकर इस महीने बेहतरी लाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि जनवरी का महीना मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। मकर राशि वाले, स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो संयमित रहना जरूरी रहेगा। महीने के पहले भाग में आरोग्यता के कारक सूर्य का द्वादश भाव में गोचर थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। वह महीने के दूसरे भाग में स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, ऐसे में बेवजह क्रोध और जिद को
त्यागने की कोशिश करें। शिक्षा की बात करें तो चतुर्थेश मंगल चतुर्थ भाव में है, अतः सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन पंचम में राहु मति भ्रम की स्थिति दे सकता है या कंसंट्रेशन में कमी दे सकता है। हालांकि बुध का गोचर ज्यादातर फेवर करेगा, अतः इस महीने से हम सामान्य तौर पर एवरेज से थोड़ा अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद करते हैं। पारिवारिक मामलों में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन चतुर्थेश मंगल है और मंगल का चौथे भाव में गोचर पारिवारिक मामलों में कुछ असंतुलन देता है। शुक्र का गोचर भी अधिकांश समय द्वादश भाव में रहेगा। इन सब कारणों से पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यही बात प्रेम और दाम्पत्य के मामले में भी लागू होती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर है, यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब बात की जाए कार्य क्षेत्र की, तो उसमें भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है। जॉब के मामले में बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आर्थिक मामलों की बात की जाए तो सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था अच्छी रहने की उम्मीद है। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में लड्डू का दान करना तथा सूर्य भगवान को जल देना बेहतर परिणाम दिलाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कि जनवरी 2021 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। खासकर महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत बेहतर रहने वाला है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कंसंट्रेशन की थोड़ी सी कमी आप महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक मामले में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हालांकि आपको परिजनों के साथ संवाद करते समय वाणी पर संयम रखना है, यानी वाणी की मिठास का पूरा ख्याल रखना है। कोई गलतफहमी सी महसूस हो तो उसे बैठ करके संवाद करके बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करें। प्रेम संबंधों के लिए महीना सामान्य तौर पर एवरेज है, औसत है, या यूं कहें कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि शुक्र का गोचर जहां अनुकूल परिणाम देने का वादा कर रहा है, वहीं लंबे समय तक बुध का गोचर कमजोर रह सकता है। फिर भी सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दाम्पत्य के मामले में भी मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि महीने के दूसरे भाग में आपका सप्तमी सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेगा। फलस्वरूप महीने के दूसरे भाग में संबंधों को बेहतर ढंग से हैंडल करने की जरूरत रहेगी। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए सामान्य तौर पर महीना अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कार्य क्षेत्र में भी सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आर्थिक मामलों की बात करें तो खर्चे तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकते हैं, इसके बावजूद भी हम महीने से औसत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाया करें, तिलक लगाया करें और भगवान शिव की आराधना किया करें। आइए अब जान लेते हैं कि जनवरी का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। मीन राशि वालों, सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रह सकता है। किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग इस महीने नहीं दिख रहे हैं। अलबत्ता कभी कभार एसिडिटी या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं। ऐसे में खान पान पर संयम रखकर आप समस्याओं से बच सकते हैं, खान पान पर संयम रख करके। शिक्षा की बात करें तो बुध बृहस्पति दोनों अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि सामान्य तौर पर शिक्षा के लिए यह महीना अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है या दे सकता है। पारिवारिक मामले में भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अलबत्ता बेवजह के आर्गुमेंट से बचने की सलाह हम आपको जरूर देना चाहेंगे। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले में भी इस महीने से आप अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए भी सामान्य तौर पर ये जनवरी का जो महीना है, इसका अधिकांश भाग अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। यदि मुकदमेबाजी चल रही है और फैसला आने वाला है तो सामान्य तौर पर फैसला आपके फेवर में आ सकता है, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र संबंधी मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आर्थिक पहलू पर नजर डालें तो उस क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। और उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में लाल रंग का प्रसाद मंदिर में चढ़ाएं और साबुत हरा मूंग गणेश जी के मंदिर में दान करें। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने इस जनवरी के महीने को अच्छे से प्लान करके अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर कुंडली दिखाकर परामर्श लेना हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क करके एक छोटी सी फीस जमा करके अपना समय लेकर के हमसे सलाह ले सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय नाइकी।